से कंफर्मेशन मैसेज के लिए बैंक के अकाउंट की तहकीकात के लिए कॉल की जा रही है और आपकी लोकेशन को एक्टिव कर रहे हैं, तो आप अपनी डिटेल इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं. व्हाट यू मीन, व्हाट यू प्रॉब्लम मैन? मैंने आपको डिटेल बताई है सही सही. आपकी जो लोकेशन है वो एक्टिव करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, उसके बाद आप क्लियर होंगे, फिर ही आप लोगों का यहाँ से एक्टिव होंगे ना. तो आप लोगों ने जो अपने ईमेल, जो आपने जो आपका एटीएम कार्ड है, ये आपके नेम से इशू है या किसी और के नाम से? जी मेरे ही नाम से होगा. और किसके नाम से होगा? आपके नाम से. तो आपने जब बैंक के अंदर आपने अपनी ईमेल जमा करवाई हुई है? हाँ जी बिल्कुल. वो जो ईमेल है वो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करना है, ठीक है? आप, कि आपकी ईमेल क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम बताइए. मुझे इतना इन्फॉर्म करना, मुझे सिर्फ इतना बताना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, एटीएम कार्ड के लास्ट के 4 अंक है और फर्स्ट के 4 अंक है, और आपने जो एटीएम कार्ड का जो पिन है वो आपने इन्फॉर्म करना है. मैं यहाँ से डिटेल बैंक में सेंड करूंगा, वहां से कंफर्मेशन मैसेज आपके नंबर पे या आपकी ईमेल पे मैसेज आएगा, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे और ऐसा आने वाले वक्त के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होगी. तो आप प्लीज मुझे सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ध्यान से बताएं. आप मुझे ये बताएं, आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? अभी किसी और ने भी कॉल की थी? जी मैंने बताया तो है कि मैं GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी से, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है हेडक्वार्टर रावलपिंडी का. आप इंटरनेट यूज करती है तो आप इंटरनेट पे सर्च करें कि ये जो GHQ हेडक्वार्टर का नंबर क्या है, जिस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ ये नंबर आपको नजर आएगा. आपका नाम क्या है? हेलो, ठीक है, हेलो, आपका नाम क्या है? जी बताइएगा शनाख्ती कार्ड. जी मेजर बिलाल मेरा नाम है, मेजर बिलाल. अच्छा ठीक है, बंद कर. जी आप डिटेल इन्फॉर्म कर रहे हैं या मैं आप लोगों का अकाउंट को ब्लॉक करवाऊँ, ये बताइए. कर दे, बेशक ब्लॉक कर दे. अभी तो डिटेल्स बताई थी किसी को फोन पे, कितनी दफा डिटेल्स बताऊँ? नहीं मैम, आपने डिटेल इन्फॉर्म गलत बताई है ना, गलत इन्फॉर्मेशन पे तो ये काम नहीं होगा ना. सही डिटेल बताएं ताकि मैं आपको काम को आपका क्लियर करवा दूँ. नहीं मैंने सही डिटेल ही बताई है, मैं गलत डिटेल क्यों बताऊंगी? शनाख्ती कार्ड नंबर कंफर्म करें. मेजर साहब 611 जी, 611 01 जी, 3120 3120 594 जी 1 लास्ट में 1 है, ठीक है. अपना एटीएम कार्ड के जो पहले 4 अंक हैं वो बताएं. मेजर साहब ये आप इस तरह की डिटेल्स क्यों ले रहे हैं? डिटेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी ये डिटेल बैंक में सेंड करनी है, वहां से ये क्लियर करवाना है कि ये कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं है इनके अकाउंट में, कोई गैर कानूनी कारोबार तो नहीं यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि ये गलत यूजिंग हो रही है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान से पैसे पाकिस्तान बैंक के अकाउंटों में मंगवाए गए हैं और उनका गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके बिहाफ पे ये एक्शन लिया गया है कि ये जो नंबर है एक्टिव करना है. तो ये नंबर बैंक अकाउंट से, बैंक से तस्दीक करवा रहे हैं कि जिनके अकाउंट में फ्रॉड है उनके अकाउंट को बंद किया जाए, जिनका अकाउंट गलत है उनके अकाउंट को क्लियर किया जाए. तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि आपके लिए ये बेहतर है, हमारे लिए नहीं. अच्छा ठीक है, मैंने बताइएगा फास्ट के 4321 फोर शुरू की 4 अंक से बताए ना, एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग के 4 अंक है पहले. जी? मैंने कहा पहले 4 अंक से बताए एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग के जो स्टार्ट हो रहा है. 5421 54 के आगे क्या है? 21 54 के आगे 03 होता है, 21 कहाँ से आ गया? आप गलत बता रही हैं, आप लोगों का अकाउंट बंद करवा दे, गलत बना रखे हैं यहाँ पे. आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोई क्लास थोड़ी ना हो रही है. गुस्सा नहीं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना. हम यहाँ पे लोगों, हम चले खा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपको समझ नहीं आ रही हम कौन बोल रहे हैं आपके साथ? नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा तमीज से बात करें, ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का. हम फीमेल्स हैं, बात करने का. आपको पिछले 1.5 घंटे से समझा रहे हैं आप लोगों को, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप लेडीज हैं, आप लोगों से जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे रही है. हम आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं और आप
आप लोग आगे से ऐसी बातें कर रही हैं, कभी क्या गलत बता देती है, कभी शनाती कार्ड गलत बता रहे हैं, कभी एटीएम कार्ड गलत बता रहे हैं, कभी पिन गलत बता रहे हैं। हम आप लोगों के यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप लोग आगे से हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप जरा तमीज से बात करें। तरीका होता है जब मैं आप लोगों से इज्जत से पूछ रहा हूँ तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें ना, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आप लोगों के सारी चीजें ब्लॉक कर देते हैं, आपके पूरे खानदान के शनाख्ती कार्ड और आपके पूरे खानदान के जो भी आपका नाम से चल रहा है वो सबको सिस्टम से खलास करके आपका नाम बैस गर्दी में डाल देते हैं। अच्छा आप एक काम करें, आप पता है क्या करें, आप ऐसे करें आप पूरे खानदान के नंबर्स भी ब्लॉक कर दें और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दें, ठीक है, और अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दें। हम आपके पास ही, हम खुद आ रहे हैं आपके पास, आपको मिलने जी क्या आप हमारे पास क्या आएंगे, अभी थोड़ी देर में टीम आ जाती है हमारी आपकी।